अभी तो हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा, पंजाब दिल्ली कहीं पर, जब सरकार के पास कोई जमीन ही नहीं है। कहे यहाँ से बाहर क्यों पलायन कीजिएगा, घर ही कट जाएगा तो रह के क्या करेंगे, पानी बढ़ेगा घटेगा फिर चला जाएगा, फिर 10-20 घर नदी में समा जाएगा, हम लोग यहाँ रह के क्या करेंगे। अभी तक कितने घर नदी में समाए हैं इस गांव के? 300 घर से ज्यादा। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर नगोछिया के रंगरा प्रखंड के ज्ञानी दास टोला में। आप यह सीधी तस्वीर देखिए, इसी साल 15 करोड़ रुपये लागत मूल्य से यहाँ पर फ्लड फाइटिंग का काम हुआ था, बोल्डर पिचिंग किया गया था, लेकिन देर रात 15 करोड़ रुपया लागत मूल्य से कराया गया फ्लड फाइटिंग, गंगा नदी की भेंट चढ़ गया है और लगभग 21 मीटर जो बोल्डर पिचिंग किया हुआ था वह गंगा नदी में समा गया है। हालांकि अभी फ्लड फाइटिंग के तहत काम फिर से कराए जा रहे हैं, बालू डाले जा रहे हैं जियो बैग में करके, लेकिन जो स्थिति बनी है उसके बाद जो ग्रामीण हैं, जो स्थानीय ग्रामीण हैं, हम अभी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो काफ़ी भयभीत हैं। हम सीधे ग्रामीण से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या स्थिति है चचा। स्थिति तो हमारे गाँव का बहुत गंभीर ही है, जैसे कि आज 3 साल से गाँव कट रहा है लेकिन सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं अभी तक मिला है, कोई मैंने कि कहता अभी क्या स्थिति है। अभी तो हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ, पंजाब दिल्ली कहीं पर, जब सरकार के पास कोई जमीन ही नहीं है। कहे यहाँ से बाहर क्यों पलायन कीजिएगा, घर ही कट जाएगा तो रह के क्या करेंगे, सर सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। क्या सही ढंग से काम नहीं हो रहा है? फ्लड फाइटिंग का सिर्फ नाम है जी, सही से काम नहीं है, सिर्फ दिखलाने के लिए हर साल किनारे किनारे बोरा लगा देता है, एक लाइन दो लाइन हो गया फ्लड फाइटिंग, फिर पानी बढ़ेगा घटेगा फिर चला जाएगा, फिर 10-20 घर नदी में समा जाएगा, हम लोग यहाँ रह के क्या करेंगे। अभी तक कितने घर नदी में समाए हैं इस गांव के? 300 घर से ज्यादा। और जब बुला जाते हैं सीओ के पास जमीन मांगने के लिए तो सीओ साहब कहता है कि जिस इलाका में जिस बिहार में बिहार सरकार जमीन हो उसको खाता खसरा हमको दीजिए तब हम जमीन देंगे। चचा क्या परेशानी है? परेशानी वही है सर, क्या कि गांव घर कटा है, जमीन गंदा है, अभी तक मिला है किसी को? अभी क्या स्थिति है? अभी क्या स्थिति? अभी तो काम चल रहा है फ्लड फाइटिंग, इससे काम चलेगा नहीं होगा सर। नहीं होगा जी, कहाँ हो रहा है सर, पत्थर दिया कट रहा है, देखिए रहे हैं काम नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा है चचा? एक ठेकेदार है, ठेकेदार भीतर से काम नहीं हो रहा है, वहाँ 60 फीट गड़ा है, इधर 30 फीट से बांध रहा है, उठा जाता है, यही बोलना है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं हमको ठोस कार मजबूत हो, कार भर मजबूत कार, मजबूत कार। युवा हैं, क्या बोल रहे थे आप? बोल रहे थे सरकार इस पे जो है ध्यान बढ़िया से दे और इसका काम आगे से बढ़ाया जाए, काम में लापरवाही बहुत बढ़ता जा रहा है, उसका देख अनदेखा कर जा रहा है, जो कंपनी थी विभाग की तरफ से उसको जो है और ठोस किया जाए काम, ताकि मजबूत मेरा गांव हो, नहीं कटा हुए। फिर से एक बार हम आपको यह सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ग्रामीण भयभीत हैं और बांध पर जो यह बांध दिया गया था, बोल्डर पिचिंग किया गया था, वहाँ पर मौजूद हैं, पूरे गांव में भय का माहौल है। जिस तरह से लगातार यह बांध जो बोल्डर पिचिंग है जो गंगा में समा रहा है उससे लोग काफ़ी भयभीत हैं और लोग यह मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से और बिहार सरकार से कि यहाँ पर मजबूत काम हो जिससे ग्रामीण सुरक्षित रह सकें। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, नगोछिया, रंगड़ा।